प्लीज म्यूट योर सेल्स। चलिए अब हम करेंगे आज हलीम। हलीम को आप हलीम, लीम, रहीम किसी भी तरह से बोल सकते हैं। ये शब्द है, इसके अभ्रंश कई मतलब वही निकलेगा, आप किसी भी तरह से बोले, ठीक है। तो उसका जो जिस चीज के ऊपर जब हम मेडिटेशन करेंगे और जब हम माँ के बारे में बात करेंगे और उस इंटेंशन से जब हम इस शब्द को का उच्चारण करेंगे, तो इसकी जो इंटेंसिटी है वो आप चाहे इसको किसी भी तरह से प्रोनाउंस करो, किसी भी तरह से उच्चारण करो, उसका मतलब वही निकलेगा और उसकी पावर वही रहेगी। क्लियर? तो इसलिए ये चीज के ऊपर मत जाइएगा कि भाई इसको कैसे बोलना है, क्या बोलना है। आप हलीम बोल सकते हो, हलीम बोल सकते हो, ए साइलेंट कर सकते हो, वो आपके ऊपर, ठीक है। ये गॉडेस बगलामुखी का बीज, शक्ति बीज मंत्र है। जैसे मैंने बताया शक्ति बीज शब्द कह सकते हैं, मंत्रा से अगर सबको प्रॉब्लम हो रहा है तो वो एक प्रोटेक्टिव फोर्स है, ठीक है। नेगेटिव एनर्जी और जो इवल फोर्सेस हैं जो हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस कर जाती हैं, उनसे हमें प्रोटेक्ट करती हैं। काली माता क्या करती है, आपको उस विशेष सर्कल से दूर करती है जिसमें हम फंस चुके हैं। जन्म और मृत्यु का जो हमारा सर्कल होता है, कर्मों का सर्कल है, उससे हमें आजाद करती है। बगलामुखी माता हमें प्रोटेक्ट करती है हर तरह की नेगेटिविटी और ईवल से, चाहे वो एंटिटीज का हो, चाहे लोगों का हो, किसी भी तरह का ईवल या नेगेटिविटी है उससे हमें प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। ये हमें फियरलेस बनाती है, सारे ऑब्स्टिकल्स को हटाती है, हमारा मेंटल और इमोशनल जो इलनेस है हमारे अंदर, जो हमारे अंदर जो विकृतियां होती हैं इन चीजों की, शारीरिक रूप से चाहे मानसिक रूप से हमारे अंदर कोई भी विकृति आती है किसी दूसरे के इन्फ्लुएंस से या फिर किसी बाहरी ताकत की वजह से, शक्ति की वजह से, तो वो उसे वो हटाती है, हमारे एडिक्शंस को हटाती है। अगर किसी को कोई एडिक्शंस है तो आप इंटेंशन देके अगर इसकी हीलिंग आप करते हैं तो एडिक्शन से भी दूर होते हैं। ये आपको पावर, फेम और विक्ट्री भी दिलाती है, सारे एनिमीज को हटाने में भी, बिकॉज तंत्र बाधा जो भी है उसको भी नलीफाई होती करती है। जितने भी हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, जो एनिमीज के हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं हमारे ऊपर, उसको हटाती है और एक ओवरऑल अराउंड आपको सक्सेस देती है और एक बहुत ही स्ट्रांग आपकी वो बन जाती है, कॉन्शियसनेस हो जाती है। जैसे हम कहते हैं ना कि कभी कभी हम कॉन्शियस तो हैं, हमें हमने अटेन भी कर ली कॉन्शियसनेस, हमने सब कॉन्शियस में से पास्ट मेमोरीज हटा दी, सारे नेगेटिविटीज हटा दी, ये सब कुछ ठीक हो गया है ना, लेकिन उसके बाद भी आपकी फाउंडेशन अगर स्ट्रांग नहीं है तो ये सब हिलता डुलता रहेगा। तो बगलामुखी माता आपको स्ट्रांग बनाती है बेसिकली, ओके। ये छोटा सा ही इंट्रोडक्शन है, इसका ज्यादा है नहीं।